हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं जस्ट डायल स्टॉक के बारे में और इसका टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस स्टॉक में हम देखेंगे कि स्टॉक का क्या स्थिति हो सकती है। तो कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव भी कमेंट करें। तो यहाँ पे मंथली चार्ट पर आपको इस स्टॉक में कुछ स्थिति नजर आ रही होगी। क्या है स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, यहाँ पे आप खुद से देख पा रहे हैं। तो स्टॉक काफी टाइम से नीचे है और एक ट्रेंड लाइन भी मैं ड्रॉ करूँ, इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से स्टॉक में वीकनेस है तो पहला कंफर्मेशन तो यही हो जाती है कि स्टॉक में हमें स्टॉक को हमें अवॉइड करना है। ठीक है, दूसरा वीकली चार्ट ट्रेंड पर चलते हैं। तो वीकली चार्ट फ्रेम पर आपको एक स्टॉक में रेजिस्टेंस नजर आएगा। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था लगभग 827, लेकिन स्टॉक ने एक नया रेजिस्टेंस बनाया 883। लेकिन हम एक 827 वाले रेजिस्टेंस को मान करके चल सकते हैं, इसको हम नीचे एडजस्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे स्टॉक का सपोर्ट जो देखने का प्रयास कर रहे हैं, सपोर्ट है 646 के आसपास, समथिंग 646 के आसपास, 640। और रेजिस्टेंस जो है वो है 907, ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। ठीक है, तो वीकली चार्ट फ्रेम पर यहां से भी अवॉइड की ही कंडीशन लग रही है। आप खुद से देखें सपोर्ट कितनी दूर है स्टॉक का। तो यहाँ पे स्टॉक को आने दीजिए, स्टॉक यहाँ पे सपोर्ट लेगा कहाँ पे, लगभग इस रेंज में, यानी कि 670 के आसपास सपोर्ट ले सकता है और यहाँ आपको एंट्री का मौका मिल सकता है। 670 के लेवल पे जैसे ही बाउंस बैक करे तो आपको बाइंग के लिए मौका मिलेगा 907 के टारगेट के लिए। तो अभी इससे दूर रहने की सलाह है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, राम राम।